सभी लोग को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी ये लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आज मैं लाया हूँ कि हम वाटर कलर से आर्टो कैसे बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग को वाटर कलर पेंटिंग में दिक्कत होती है, चलो वो ह्यूमन फिगर्स बना लेते हैं, लेकिन जैसे कुछ आर्टो अगर बनाना हो आपको तो वो किस तरीके से बनाओगे। तो आज मैं आपको टू लेवल से आपको वो चीज़ में बना के दिखाऊँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूँ। तो ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि आपको आपकी पेंटिंग लिए काफ़ी हेल्प करेगी। ओके ठीक है, हम लोग पहले ड्राइंग से स्टार्ट करेंगे। एटलीस्ट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा, बहुत ही इजी स्टेप में समझाऊंगा आपको चीज़ें कैसे सोचना होता है, सारी चीज़ें ड्राइंग का पार्ट कैसे करना है। जो चीज़ हम देखते हैं जरूरी नहीं होता कि आपको हर चीज़ थोड़ा सा रियलिस्टिक में ड्रॉ करनी है, ऐसा कुछ नहीं। बस एक फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बस अभी नॉर्मली एक बेसिक सी ड्राइंग बना रहा हूँ मैं, ठीक है। उसका जो आउटर पार्ट है उस चीज़ को मैं कैच करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ही इसका बहुत ही ईजी स्टेप, जब भी आपको कोई ड्राइंग करनी है किसी तरीके, तो पहले आपको एक उसका इजी स्टेप सोचना है। तो और ऐसा भी नहीं है कि आप पहले ड्रॉ कर लो उसके बाद उसको फाइनलाइज करो, ओके। क्योंकि हम लोग पहले डिटेलिंग देने लगते हैं, उससे क्या होता है कि बाद में कोई चीज़ ख़राब होती है उसको फिर बैलेंस नहीं कर पाते। अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है उस चीज़ को आप बाद में बैलेंस तो कर सकते हो। तो अभी देखिए मैंने हल्की सी एक लाइट ड्रॉ किया है, आप सभी को दिख रही होगी वो चीज़। और वही है कि जब तक हम किसी चीज़ को थोड़ा सा इजी वे में सोचेंगे नहीं वो हमें डिफिकल्ट लगेगी। तो हमेशा जब भी आप वाटर कलर पेंटिंग करो, आई नो थोड़ा सा मीडियम थोड़ा डिफिकल्ट होता है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन डिफिकल्ट तब तक होता है जब तक आप उसको ट्राई नहीं करते। जब एक बार आपके माइंड में या उस चीज़ को बहुत ही इजी वे में आप चीज़ें सोचने लगते हो तो वो चीज़ फिर डिफिकल्ट नहीं रह जाती है। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और अभी मैंने नॉर्मली एक बेसिक सा इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है, जो मुझे लगता है कि फाइनलाइज करना उस चीज़ को मैं थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे वाटर कलर पेंटिंग में कोशिश ये किया करो कि जितना लाइट ड्रॉ करो उतना अच्छा रहेगा, जिससे ड्राइंग उतनी ज़्यादा विजिबल ना हो। और अगर थोड़ी बहुत ड्राइंग दिख भी रही तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो इतना चलता है। तो अभी मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है, इस तरीके से आपको ड्राइंग दिख रही होगी। और मैं कोई ऐसा कुछ आपको कुछ रियलिस्टिक नहीं बताऊंगा, बस हमेशा एक वाटर कलर पेंटिंग में फील लेना बताऊंगा। क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको अपना टाइम बचाना होता है। चलो आपने आज घर में बैठ के रियलिस्टिक पेंटिंग बना दी, लेकिन कभी आप डेमो दे रहे हो या कभी लाइव काम कर रहे हो तो कैसे करो काम। तो एक चीज़ ये भी समझने वाली है ना, तो इसीलिए मैं आपको उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। तो नॉर्मली देखो ड्राइंग मुझे करने मुश्किल से एक मिनट या एक मिनट से भी कम लगा होगा, वो भी आपसे बातें भी कर रहा हूँ, तो जैसे कि आपको अच्छा लगे, ऐसा ना लगे कि आपको ओवन होने लगे कि सर तो कुछ बता भी नहीं रहे हैं ये सारी चीज़ें। और वैसे तो अभी मैं कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फ्री वीडियोस होती हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए लाता हूँ, और मेरा ऑनलाइन कोर्स भी चलते हैं जिसमें आप सीख सकते हो प्रॉपर एक कोर्स वाटर कलर पेंटिंग कैसे बनाते हैं, क्या क्या इजी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हैं उसके बारे में भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी आप किसी भी चाहे ऑब्जेक्ट कितना भी डार्क हो पहले हम उसमें लाइट को कैच करते हैं कि हमें लाइट वाला पार्ट देखना होता है। ऐसा नहीं कि अरे ऑटो डार्क आपने लिया ब्लैक कलर और डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले उसमें देखो कि लाइट शेड कहाँ पे, यानी कि अभी आपको उसमें एक लाइट कलर दिख रहा होगा येलो कलर, तो पहले हमें उससे उसको अप्लाई करना होता है, यानी कि हम वाटर कलर में लाइट टू डार्क चलते हैं। तो ये चीज़ आपको बहुत समझने वाली है, क्योंकि हर कोई ये सब चीज़ें बताता नहीं है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर हर चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि उस चीज़ को हम कैसे सोच सकते हैं। तो अभी इसकी यहाँ जो स्ट्रिप्स है यहाँ पे मैं हल्का सा येलो कलर फिल करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप कैसे पढ़ना वो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस चीज़ को। आपको कोई भी राउंड ब्रश लेना है देन आप इस तरीके से अप्लाई कर दो जहाँ जहाँ पे लाइट शेड है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी, मतलब आपको सही बताएं आप जो रियल इमेज देखते हो अगर आप ना खुद की क्रिएटिविटी अपने काम में लाओगे ना, तो आपको रियल इमेज से भी ज़्यादा आपको अपने उसमें और अच्छा लगेगा। मींस आपको लगेगा चलो कोई नहीं जो चीज़ ओरिजिनल दिख रही है, हाँ अपना टच देने की उसमें कोशिश करें। थोड़ा सा हल्का शैडो डालने के लिए मैंने रेड कलर लिया है, स्कारलेट रेड, और हल्का जो मैंने ये कलर मिक्स किया ये है गैम्बोज ह्यू, ओके। और बहुत ही ध्यान से देखिएगा किस तरीके से बता रहा हूँ चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हेल्प करेगी ये वीडियो। और जैसे भी आपको ये वीडियो लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करके जरूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। यहाँ पे हल्की सी एक साइन आ रही है, तो मैंने
टर्कवाइज ग्रीन एक शेड है, उसको मैंने अप्लाई किया है। बस अभी देखते जाओ कैसे चीज़ें बनती हैं। अब इसे हमेशा ध्यान रखो, जब भी हमें कलर को स्प्रेड कम करना होता है तो हम कलर में वाटर कम मिक्स करते हैं, ओके। और जैसे कि यहाँ मैंने इसका विंडो का जो मैंने पार्ट बनाया है, इसमें मैं क्या करूँ, आप चाहो तो पाइंस ग्रे या ब्लैक विथ, मतलब ब्लैक कलर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं ब्लैक कलर भी ले रहा हूँ, एक पाइंस ग्रे कलर आता है वो भी ले रहा हूँ। सो डार्क कलर मैंने लिया है, देन बस इफेक्ट देखिए कितना बढ़िया आएगा। आप चाहो तो कुछ हल्का इफेक्ट देंगे, हल्का सा वाइट एरिया यहाँ पे इस तरीके छोड़ सकते हो। और इसे मैं तो ध्यान रखो एक बार में काम करना होता है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ उससे आपको भी दिखे अच्छे से। एक बार में काम करना होता है, ये नहीं कि आप बार बार लेयर अप्लाई कर रहे हो उस पर, तो जो मजा होता है वो खत्म हो जाता है। देखो इस तरीके कितना बढ़िया इफेक्ट आएगा। अब वही है कि देखिए, ऐसा नहीं कि मैं तो बोलता हूँ ठीक है, आप अगर किसी चीज़ से अर्न कर रहे हो अच्छी बात है, आप बिल्कुल पैसा कमाओ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसे भी रखो जो लोग नहीं पे कर सकते हैं, एटलीस्ट उनके लिए भी कुछ हो, मैं ये बोलता हूँ ठीक है। और आई नो प्रॉब्लम सबके साथ होती है, बट फिर भी जितना मेरा बेस्ट हो सकता है मैं आप लोग के लिए हमेशा करता हूँ। और इस तरीके से आप देख सकते हो कैसे, अभी देखो मैंने हल्का सा ये एरिया मैंने पहले लाइट कलर अप्लाई किया, देन इस तरीके से आप देख सकते हो एक लाइट शाइनिंग आ रही है ना यहाँ पे, और इस वे में मतलब कितना बढ़िया एक इफेक्ट निकल के आएगा। यानी पहले आपको ध्यान क्या रखना, पहले आपको लाइट शेड अप्लाई करना है, इस चीज का आप ध्यान रखो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, और ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आज बना रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आज ही मैं इसको अपडेट कर दूँ यूट्यूब पे। और एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप एक रियल आर्टिस्ट हो तो आप रेगुलर काम करोगे। आप बिलीव मानो, जिस दिन मैं काम नहीं करता मुझे लगता है कि मेरा वो दिन बेकार हो गया, ऐसा लगता है कि यार कुछ किया ही नहीं है, ऐसा लगता है फिर लाइफ बेकार है जीना। तो एटलीस्ट अगर एक्चुअल में आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो आप रेगुलर काम करो, उसी से आप जाने जाओगे। देखो कितना बढ़िया, देखो यहाँ पे साइनिंग वाले कितना बढ़िया एक फील आ रहा है, आप देख सकते हो इस चीज को। बस डार्क कलर लेके, कोई ब्लैक कलर ऐसा नहीं है, ब्लैक कलर अपने हिसाब से कैसे भी देखो इस तरीके अप्लाई कर दो। और जो बीच का व्हाइट एरिया है, जैसे व्हाइट एरिया दिख रहा है, ब्रश को क्लीन करके चाहो तो हल्का हल्का इस तरीके से एक लाइट शेड, देखो कितना बढ़िया निकल गया है। यहाँ पे हेडलाइट आ रही है, वो चीज देख सकते हो। इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया, कि आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाए इस चीज का। मेरी कुछ और ही वीडियोस हैं जो काफी आपको हेल्प करेगी, इस तरीके से देख सकते हो इस वे में। देखो इस तरीके, देखो एक फील आ गया ना एक कांटों का, आप देख सकते हो। मैं नहीं करूँ, मैंने बहुत रियलिस्टिक काम किया, बट फिर भी एक फील देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं होता है कि आप हर चीज़ में रियलिस्टिक डालो। देखो रियलिस्टिक करने को बहुत सारे लोग कर लेंगे, हम दो घंटे लगा के बहुत अच्छा काम निकाल सकते हैं, लेकिन कम टाइम में एक अच्छा काम निकालना एक आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है। मान लो किसी ने बोल दिया सर मेरे को आपको ये 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करके आपको दिखाना है, तो कैसे करोगे? एटलीस्ट अगर आपकी काम में स्पीड होगी तभी तो आप वो चीज़ कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि एक स्पीड में काम करना। अब देखो जैसे जैसे इसकी शैडो आ रही है, शैडो चाहो तो आप थोड़ा पर्पल शेड में कर सकते हो, या जैसे कोई भी, जैसे मैंने हल्का सा ब्लू शेड लिया है ठीक है, ब्लू में थोड़ा मैं डार्क मिक्स कर दूंगा। अभी जैसे कि यहाँ पे शैडो आ रही है, शैडो से और रियल वाला फील आ जाएगा, आप देखोगे तो और अच्छा लगेगा। हल्का इस तरीके से थोड़ा डार्क इफेक्ट, अभी मैं इसमें और डार्क कलर अप्लाई कर दूंगा जिससे कि और रियलिस्टिक फील आएगा। तो हर चीज को बहुत ही ध्यान से करना है, देखो इस तरीके। अब वेट ऑन वेट में बस डार्क कलर ऐसे छोड़ दो, अपने आप वो चीज मर्ज जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। देखो कितना बढ़िया फील आ रहा है।
एक ऐसा लगा बहुत धूप आ रही लेफ्ट साइड से, ऐसा वाला फील सबको दिख रहा होगा। तो एटलीस्ट सबको समझ में आ गया ना किस तरीके से हमें काम करना होता है, क्या सोचना होता है, अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो एक बात की बात है। एटलीस्ट थोड़ा सा आप इस तरीके से वर्क करोगे तो और ईजी होगा। अब अगर जैसे आपको लगता है कि हेडलाइट थोड़ी सी लाइट दिखानी है तो आप वो चीज़ उस तरीके से कर सकते हो, उसमें अप्लाई या डायरेक्टली ओपेक कलर आप आगे की ओर लगा सकते हो, इस तरीके डायरेक्टली रेड कलर लेकर के ऐसे देखो इस तरीके से। सो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि किस तरीके से काम करना है। एटलीस्ट एक बेसिक वे, मतलब कि किस तरीके से हम काम करते हैं, क्या क्या सोचते हैं एक चीज़ को अच्छा करने के लिए, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे। अब इस चीज़ को आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चाहो तो मेरे को भेज भी सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 9559480989। सो किसी को अगर वाटर कलर कोर्स से रिलेटेड इंक्वायरीज़ भी लेनी है तो आप उसके लिए भी मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है। बट फिर भी आप काम ज़रूर कीजिएगा और इसमें कुछ अच्छा बना के दिखाइए। अगर मैंने आप टाइम दिया है आपको सिखाने के लिए तो एटलीस्ट आप भी कुछ करके दिखाओ। और अभी तो मैंने ये चीज़ बनाई है, अभी एक चीज़ और बनाने वाला हूँ, मतलब कि दूसरे अलग एंगल से आटो। तो अभी थोड़ा सा उसके जैसे टायर में थोड़ा सा एक ग्रेडिएशन नहीं दिख रहा था, फ्लैट दिख रही है वो चीज़, तो एक थोड़ा सा वाटर इस तरीके से अप्लाई करके डार्क कलर नीचे के उस तरीके से छोड़ दो। देखो ऐसे अपने आप देखो एक 3D फील आ जाएगा। और अभी मैं एक सेकंड आटो की ड्राइंग कर रहा हूँ। जैसे कि अगर कोई आटो आपके आई लेवल्स नीचे की हो रहा है तो कैसे दिखेगा, सिंपल सी बात है। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल के नीचे है तो उसका अपर पार्ट ज़्यादा दिखेगा। सो आपको उस तरीके से सोचना है। तो पहले हमेशा चीज़ों को हम थोड़ा बॉक्स के वे में देखते हैं, जब भी कोई चीज़ नीचे की होती है। अगर आपको पर्सपेक्टिव आता है अगर अच्छे से, तो जिनको पर्सपेक्टिव की नॉलेज नहीं है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। सो अभी तो बस उस चीज़ को थोड़ा सा मैं आपको जितना इजी वे में हो सकता है मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सो अभी इस तरीके से देख सकते हो एक आटो में बना रहा हूँ। तो कैसे हम चीज़ों को इजी वे में सोचते हैं, एक आटो आई लेवल से नीचे की ओर कैसे दिखेगा। देखो वही है कि हम कोई भी पेंटिंग डायरेक्टली क्यों मतलब बना सकते हैं, लेकिन वही जब तक हमें कुछ समझ में ना आए कि उसका एटलीस्ट एक इजी स्टेप क्या होगा, तो वहाँ पे हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम कितनी भी अच्छी पेंटिंग क्यों ना बना लेते हैं, जब तक हम किसी को एक चीज़ वो भी होता है कि हम गाइड नहीं कर पा रहे हैं, या मतलब एक होता है ना कि हम समझा नहीं पा रहे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्रिएट। तो इसीलिए एटलीस्ट अगर आप जो चीज़ कर रहे हो उसको बहुत ही वेल एक्सप्लेन, यानी कि आपका बेसिक अगर स्ट्रांग है तो आपको किसी चीज़ में दिक्कत नहीं आएगी। अगर बेसिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो वो आगे चल के कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो अभी नॉर्मली मैंने एक इस तरीके से ड्रॉ किया है, अब इसी लाइन के पैरेलल की इस वे में एक लाइन आएगी। इनको पर्सपेक्टिव आता होगा उनके लिए ड्रॉइंग तो एक खेल टाइप में ही होगी, मैं तो यही बोल रहा हूँ। तो ये है कि बस उस तरीके से आपको चीज़ें सोचनी होती है। और अभी देखो मैंने एक ड्रॉइंग कर ली इस तरीके से, आप देख सकते हो इस तरीके से एक नॉर्मली ड्रॉ इस तरीके से कर लिया है। सो बहुत ही इजी वे में देखो अभी वो एक लेवल फ्रंट से देख रहे, ऐसा लग रहा है कि आई लेवल से नीचे की ओर है। पूरा का पूरा जो सेम प्रोसेस वही है, बस समझना है कि हम उस चीज़ को किस वे में देख रहे हैं वो चीज़। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो आपको ऑफकोर्स दिख ही रही होंगी। बाकी ठीक है, तो अभी इसमें हम कलरिंग करते हैं। अब इसका एंगल आप देख सकते हो, थोड़ा सा ये एंगल अलग है और ये एंगल अलग है। तो फिर वही चीज़ मैंने क्या बोला था कि पहले हमेशा लाइट कलर अप्लाई करो, कोशिश हो सके तो लाइट शेड पहले। तो वही मैं गैम्बोज ह्यू फिर से ले रहा हूँ शेड, और अपर साइड इसको इस तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। और एक बार में कभी कुछ लोग बोलते हैं पेंटिंग मेरी फ्रेश नहीं दिख रही है, डल हो जाती है, तो एटलीस्ट एक बार में आप कलर अप्लाई करो, थोड़ा सा ज़्यादा ले लो, कोई नहीं। ओपेक नहीं लेना है, ओपेक अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। उस वे में नहीं बोल रहा हूँ कि आप ओपेक लेके कलर एकदम फ्लैट जैसे पोस्टर कलर चलाते हैं उस तरीके से, वो नहीं करना है काम। बस ये मेथड यूज़ करना है इस तरीके से। येलो कलर का शेड इजी है, बस थोड़ा सा इजी वे में देखो अगर चीज़ें तो आपको इजी लगेंगी। आप उस तरीके सोचते नहीं, पहले चीज़ को डिफिकल्ट मान लेते हो। देखो बस मैंने इस तरीके से येलो शेड अप्लाई किया, और थोड़ा सा यहाँ शेडो देने के लिए हल्का सा रेड कलर, रेड एंड येलो मिक्स कर लो तो हल्का सा ऑरेंज शेड बन जाएगा, जिसको मैं साइड एक डेप्थ देने के लिए ऐसे देख सकते हो। और जिन लोगों को वाटर कलर सीखना है, या मैंने बताया भी आपको नंबर बताया भी अपने, उसमें मैं शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर,
अगर किसी को क्लासेस लेनी है। और अभी जैसे मैंने यहाँ पे लाइट साइन देनी है इस तरीके से, तो वही कलर शेड आप चाहो तो पर्पल शेड भी यूज़ कर सकते हो, या क्लीन वाटर लगा के उसको वाइट प्योर वाइट भी दिखा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरे पास कलर है आप उसी से पेंटिंग कर सकते हो, या ऐसा कुछ ऐसा ज़रूरी नहीं है कुछ भी, सब इतना नहीं सोचना है। जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उससे आप क्या जादू कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। देन फिर वही चीज़ डार्क कलर, डार्क कलर के लिए आप ब्लैक एंड पाइंस ग्रे यूज़ कर सकते हो। मैं चाहता हूँ डार्क मतलब ब्लैक डायरेक्टली यूज़ ना करो, या अगर पाइंस ग्रे कलर नहीं है तो आप उसकी जगह हल्का सा रेड ऐड कर लो या रॉम्बर ऐड कर लो। मतलब मैं डायरेक्टली ब्लैक, मतलब ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, मैं नहीं कहता हूँ बाकी लोग कैसे करें, मेरी एक एडवाइस है आप डायरेक्टली नहीं यूज़ करो तो अच्छी बात होगी, बाकी अगर नहीं है अगर आपको यूज़ कर लेना तो भाई कोई बात नहीं। देखो इस तरीके से देखो एक फील इस तरीके से सबको दिख रहा होगा, जैसे कभी कभी शेडो डल हो जाती है तो क्या कर सकते हो, ब्रश को क्लीन करके ड्राई ब्रश की हेल्प से आप उस जगह कलर निकाल सकते हो। देखो ऐसे, ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं काम करने के, बस ये कि आपको थोड़ा सोचना होगा कि क्या बेस्ट हो सकता है। और यहाँ पे डार्क कलर जैसे वही चीज सेम, बाकी चीज़ें ऐड ऑन तो आप अपनी साइड से कितना भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। देखो बस इस तरीके से बहुत इजी है, बस थोड़ा सा देखो अभी क्या डिफिकल्ट है इसमें मेरे हिसाब से। अंदर कुछ अगर कुछ हल्का फुल्का दिख रहा है कुछ ऑब्जेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, या कोई भी मतलब मैं अभी ब्लू से उस पर काम कर रहा हूँ, तो इसे मैंने यहाँ पे कलर लेके यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दिया। देखो इस तरीके से बहुत इजी, बहुत जैसे कैसे सोचते हैं, कलर लेके अपने अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये करना जो डार्क कलर बनाया था उसी को लेके इस तरीके से फिल कर दो, जब तक वेट होगा अपने आप एक सॉफ्टनेस आ जाएगी उसको। देखो इससे आपको एक चीज़ ये भी सीखने को मिल रही होगी वेट ऑन वेट कैसे काम करते हैं। और जैसे भी आपको कोई वीडियो लगी हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि या कैसा एक्सपीरियंस रहा तो सारी चीज़ें। बाकी जितना देखो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ उतना तो बिल्कुल मैं दे ही रहा हूँ, बाकी है कि जैसा भी आपको लगे वैसे भी वो नहीं है। देखो इस तरीके ड्राई ब्रश की हेल्प से हटा भी सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तो पेपर वेट है तो किनारे कलर स्प्रेड होता है, तो आप ड्राई ब्रश की हेल्प से इसको हटा सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे इस वे में, तो वही है कि एक लॉजिक समझ में आ जाए किस तरीके करना है काम, तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो डार्क कलर की हेल्प से थोड़ा फील कर रहा हूँ ये एरिया, थोड़ी वीडियो बड़ी बनी है बट कोई नहीं, एटलीस्ट आपको समझ तो आए। तक आप कुछ सीखो ना तब तक फायदा क्या हुआ कोई वीडियो बनाने का। देखो इस तरीके से बाकी देखो फाइनलाइज तो बाद में कैसे भी कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके, वो तो आपकी चॉइस है। एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट समझ तो आएगा कैसे करना है काम। वही शैडो वाला इसमें भी वही एक सीन होगा कि हम उस तरीके शैडो सोच सकते हैं, तो दोनों में अपना अपना एक फील है, इसको हम लाइट शेड में या इसमें थोड़ा कलर शेड चेंज कर सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट कलर देते हैं। चाहो तो मैं यहाँ पे हल्का सा रेड कलर दे देता हूँ, मतलब कलर चेंज कर सकते हो कैसे भी, यहाँ पे हल्का सा रेड कलर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर, मतलब वही है ना कि सजाने वाली बात हो रही है ना,
रहा तो आप कैसे गिर सकते हो उस चीज को, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कैसे भी, ठीक है। आप रही बात शैडो की, पूरा काम एकदम शैडो से आ जाएगा बिल्कुल भाई, ब्लू शेड आप इस तरीके से पूरा अपर साइड से हम देख रहे हैं, लेवल हमारा आई लेवल के नीचे, तो शैडो देखो इस वे में आई हुई। बाकी चीज़ें शैडो एंड ऑल चीज़ें आपकी प्रैक्टिस पे भी डिपेंड होती हैं, जब आपको समझ में आया कि हम किस लाइट कैसे आ रही है या क्या डायरेक्शन है, तो उसके हिसाब से, और सिर्फ एक बार का काम नहीं होता, ये बहुत मेहनत होती है। थोड़ा डार्क कलर लेके आप यहाँ पे स्प्रेड करते हो, मर्ज हो जाए उसका बेस, बस इसलिए देखो इस तरीके से। कितना इजी था चीजों को बनाना, बस हम पहले डर जाते हैं, अरे वो कैसे बनेगा, तो बस वहीं से प्रॉब्लम आ जाती है। आप डरो नहीं, चीजों को थोड़ा सोचो कैसे लॉजिक लगाए, किस तरीके से बनी होंगी चीजें, पहले आप वो सोचो। देखो कितना बढ़िया फील आ रहा है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको बहुत समझ में आया होगा कि कैसे काम करते हैं, क्या टेक्निक होती है एक चीज को बनाने की। और वही है कि जितने ज्यादा आप काम करेंगे प्रैक्टिस, उसके हिसाब से आपको करनी पड़ेगी, उसी से हमारा काम इम्प्रूव होगा। एक बार भी काम कर देने से हमारा काम उतना अच्छा नहीं होता है, और भी ये वाटर कलर में बहुत मेहनत करनी जरूरत है, जितना हम सोचते उतना ईजी नहीं होता है। सो थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा, और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा जैसे मैंने बनाया है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, और उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लोग के लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। ओके फिर, बाय बाय एंड थैंक यू।